वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारो, हर कोई इस दुनिया अंदर माता पिता करके ही आता है। माता पिता का सत्कार करना साढ़े पहले फर्जा विचो एक है। पिता का सत्कार करना सानू गुरबाणी भी सिखाती है। पर अज असी पिता के सुभाव बारे नहीं बल्कि पिता के वक्रे वक्रे रूपों बारे गल करना है जेडे गुरबाणी अंदर आए हैं, जिन्हों विचो एक है पिता अकाल पुरख। वैसे तो हरेक का एक ही पिता होंदा है, पर जे गुरु पातशाह जी की गुरबाणी पढ़िए तो समझ आती है कि साड़ी जिंदगी विच सिर्फ सानू जन्म देने वाला ही पिता नहीं बल्कि एक पिता वो भी है जो सारे जहान का पिता है, जिस तो ना सिर्फ धरती बनी बल्कि पूरा ब्रह्मांड बनिया। गुरु साहब फरमाते हैं कि तू सांझा साहिब बाप हमारा, भाव के ही अकाल पुरख जी हो, तुसी ही सारे जहान के पिता हो, सब नू पैदा करने वाले आते, उसकी संभाल करने वाले हो। एक जगह होर गुरु पातशाह जी फरमाते हैं कि तू पिता सब बारिक थारे, हे निरंकार जी, तू सब का पिता है, असी सारे आप जी के बच्चे हाँ। गुरु प्यारे, असी भावे लख बार मना करिए कि अकाल पुरख साडा पिता ने, साडा प्यो ने, पर साडी कहन नाल उसने बदल नहीं जाना। उस एक तो ही सब कुछ बनया है। असी भावे मनीए जाना, उसने पिता ही रहना है। वो माँ भी है, प्यो भी है, सब कुछ है। जो भी इंसान बच्चा बन के भाव बाल बुद्ध वांग रब नू याद करता है, रब नू अपना सब कुछ मनता है, उसनू फिर किसी चीज की थोड़ नहीं रहती। पाणी पिता। गुरबाणी विचों पिता के दूसरे रूप की गल करते हाँ, वह है पाणी पिता। गुरु साहब फरमाते हैं कि अकाल पुरख ने धरती के जीवन देने लिए एक होर पिता नू जन्म दिता है, वह है पाणी। जिवें धरती साडे सब लई माँ है, जिस विचों हरेक चीज जन्म लैंदी है, जिसके गर्भ अंदर हर चीज फलदी है, उस तरह पाणी पिता है। जे पाणी ना होवे ता धरती सवाई मारूथल तो कुछ नहीं है। पानी बिना धरती ते जीवन संभव नहीं, इसलिए गुरु साहब पानी नू पिता दा दर्जा देंदे हुए फरमांदे हन कि पानी पिता जगत का, पानी इस जगत दा पिता है। जे पानी है तो जीवन है, जे पानी नहीं तो कुछ नहीं। गुरु साहब फरमांदे हन कि पौण गुरु पानी पित जाता, जिवें हवा गुरु की तरह है जिस दे बिना जीवन संभव नहीं, इंज ही पानी नू पिता करके जाने जांदा है, क्योंकि पिता बिना जिंदगी दी आस भी नहीं कीती जा सकती। इसलिए पानी नू गंदला ना करिए, इस नू पिता वांग सत्कार देइए, इस नू साफ रखिए ता जो आउण वाली पीढ़ियां जिउंदियां रह सकन। पिता। एक होर पिता दा रूप गुरबाणी अंदर जिस राही असी जन्मे हाँ, जिस बारे गुरु साहिब फरमांदे हन कि मात पिता कुटुंब सगल बनाए, हे भाई परमात्मा ने तेरे वास्ते माँ प्यो परिवार आदिक सारे संबंधी बना के दिते, भाव तेरे इस जगत विच आउण दा रस्ता माता पिता राही दिता। एक जगह होर गुरु साहिब फरमांदे हन कि मात पिता भाई सुत बनिता तिन भीतर प्रभु संजोया, हे भाई परमात्मा ने ना सिर्फ पिता बल्कि माता भरा पत्नी बच्चे आदि इन्हां सारिआं विच तैनू रचमिच दिता, तैनू संजोया, भाव तेरा चुगिरदा बड़ा ही प्यारा बना दिता, तैनू प्यार तेरे लई बहुत कुछ रब ने दिता। अते नाल ही गुरु साहिब सानू इह भी समझाना करदे हन कि जिस अकाल पुरख ने सानू परिवार दिता, माता पिता दिते, उस नाल प्यार करिए, उन्हां दा आदर सन्मान करिए। असीं गुरबाणी विच कई थां पढ़दे हाँ कि मरण तो बाद श्राद कराउण नालों किते चंगा है जिउंदे जी माँ बाप दे कहने विच रहिए, उन्हां दी सेवा करिए, उन्हां नाल लड़िए ना बल्कि प्यार करिए। गुरु पिता। गुरबाणी पिता दे एक होर रूप दी बात पाउंदी है, वह है गुरु पिता। सानू जगत पिता ने धरती दित्ती, धरती ते रहण लई पाणी रूप पिता दिता, फिर जन्म लैण लई मां प्यो दिते, पर जो जीवन मिलिया है उसनू किंज जीना है, यह जीवन जाच सिर्फ ते सिर्फ गुरु पासों ही प्राप्त होंदी है। इसलिए गुरु साहब ने बाणी विच वार वार दर्ज कीता है कि गुरु गुरु तो है ही पर पिता भी है, पिता वांग सानू समझांदा भी है। गुरु साहब बचन करते हैं कि हम बारिक तू गुरु पिता है दे मत समझाए, भाव असी अनजान बच्चे हाँ, सानू नहीं पता कि इस जीवन नू किवें जीना है, असी अपनी मन मर्जियां करके अपने बहुता जीवन गवा चुके हाँ। हे सच्चे पातशाह तू गुरु पिता है, सानू मत दे, सानू सोझी बख्श ता जो असी सोहनी जिंदगी नू जिउ सके। ता गुरु प्यारो, गुरु एक पिता वांग अपने बच्चों नू समझांदा है कि तुसी की करना है,
ਕਿੰਜ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਕਿਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਕਰ ਗੁਰਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਪ, ਪਿਓ, ਬਾਪੂ ਆਦਿ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਜੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।